अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। आज की वीडियो में मैं आपको बेसिकली AWS का इंट्रोडक्शन दूंगा कि AWS क्या है, हमारी डेवलपमेंट लाइन में ये क्या रोल प्ले कर सकता है और हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है या हमें इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AWS के इंट्रोडक्शन से। मैं यहाँ पे एक क्रोम प्रोफाइल ओपन कर लूंगा और अगर आप वहां पे आके AWS लिख के सर्च करेंगे तो पहला ही सर्च रिजल्ट आएगा Amazon Web Services। ये बेसिकली AWS की फुल फॉर्म है, Amazon Web Services। AWS को इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो डेवलपमेंट का काम है उसको बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। AWS की जो सर्विसेज हैं वो 180 से ज्यादा सर्विसेज हैं इसकी, जो कि हम यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं AWS टोटल सर्विसेज। अगर ये लिख के सर्च करें तो ये 200 से चली गई है, 200 से ऊपर चली गई ऑलमोस्ट। और इन सर्विसेज में बहुत कुछ अवेलेबल है, जैसे कि इनमें डेटाबेसेस अवेलेबल है, स्टोरेज के लिए तरीके S3 अवेलेबल है, उसके अलावा होस्टिंग के लिए EC2 वगैरह अवेलेबल है, इवेंट लॉगिंग के लिए CloudWatch अवेलेबल है, SMS सेंड करने के लिए SMS अवेलेबल है, क्यूज करने के लिए SQS अवेलेबल है, ईमेल सेंड करने के लिए SES अवेलेबल है, और भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जो कि मशीन लर्निंग, गेमिंग और बाकी क्राइटेरिया में आती हैं। हम जो अपना स्टार्ट करेंगे AWS से, पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका अकाउंट बनाते कैसे हैं। उसके बाद जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें AWS में रीजन्स क्या होते हैं, यूजर्स क्या होते हैं, IAM क्या होता है और बाकी सर्विसेज क्या होती हैं। लेकिन जब हम वो सारा बेसिक काम कर चुके होंगे उसके बाद फिर हम जो हमने एक स्पेसिफिक यूजर बनाया होगा, हम AWS का जब अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक रूट यूजर मिलता है बेसिकली, जो कि अकाउंट का ऑनर होता है। लेकिन हम ज्यादातर डेवलपमेंट जब कर रहे होते हैं हम वो रूट यूजर यूज नहीं करते, हम एक सेपरेट यूजर बनाते हैं एडमिन लेवल का और उसको यूज करते हैं ताकि हमारे पास वही रोल्स हों जो हमें चाहिए। और अगर हमने कभी किसी दूसरे को भी कोई अकाउंट प्रोवाइड करना हो तो हम अपना रूट अकाउंट कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो हमने खुद अकाउंट्स बनाए होते हैं जिनमें वही परमिशन हमने दी होती है, जैसे कि एक डेवलपर है या कोई भी बंदा है जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ S3 स्टोरेज की एक्सेस देनी है कि वो S3 में चीजें ऐड कर सके, डिलीट कर सके ETC। हम सिर्फ और सिर्फ एक यूजर बनाएंगे, उसको S3 की एक्सेस देंगे और दैट्स इट। लेकिन ये सारा कुछ हम देखेंगे जैसे जैसे कि हम AWS में काम करते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि AWS पे आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। AWS में नया अकाउंट बनाने के लिए अगेन आप एक नया टैब ओपन कर लें, AWS लिख के सर्च करें, ये सामने आपके आ जाएगा। पहले भी हम यहीं पे थे, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है क्रिएट एन AWS अकाउंट, उस पर क्लिक कर दें, अदरवाइज आप कहीं पे भी क्लिक करके इस पेज तक आ जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट URL चाहिए हो तो AWS.amazon, ये जो सामने URL आ रहा है उस पे आप आ जाएंगे तो भी आप सिमिलर पेज पे ही कहीं पे लैंड करेंगे। यहां से आप क्लिक करेंगे साइन इन टू कंसोल और आप इस पेज पे लैंड करेंगे। अगर आप किसी और पेज पे लैंड करें, जैसे कि कभी कभी हो सकता है कि आप के ब्राउजर प्रोफाइल में अगर किसी और ने भी इस वेबसाइट को एक्सेस किया और उसने किसी IAM यूजर के थ्रू एक्सेस किया होगा तो वो किसी और पेज पे लैंड हो सकता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इस तरह के सिमिलर पेज पे लैंड होगा। तो आप क्लिक कर सकते हैं इस पे साइन इन टू रूट यूजर, अगर आप इस तरह के किसी पेज पे लैंड हो तो आप वापस इस मेन साइन इन पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे ये रूट यूजर और IAM यूजर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे ये एक और बटन आ रहा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, आप इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपका ये साइन इन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्योंकि ऑलरेडी एक अकाउंट बना लिया हुआ है तो मैं आपको इसके बेसिकली गो थ्रू नहीं करवा पाऊंगा। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईमेल एक देंगे, आप सिंपल से अपनी कोई भी ईमेल जीमेल वाली यूज कर लें, आउटमेल कुछ भी यूज कर लें, एक ईमेल और एक अकाउंट नेम, आप इसको कोई भी अकाउंट नेम दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप अपना ही अकाउंट, अपना जो नाम है वही यूज कर लें, नहीं तो अपने बिजनेस का नाम यूज कर लें। जब आप वो करेंगे और वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये कोड सेंड करेगा ईमेल पे, उसको आपने वेरीफाई करना है। इस पे ऑलरेडी आपको वीडियो मिल भी जाएगी, मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। आप यूट्यूब पे आए और क्रिएट ए AWS अकाउंट ये लिख के सर्च करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली एक ईमेल मिल जाएगी।
सॉरी वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं जब नया एक अकाउंट बना रहा हूँ किसी क्लाइंट के लिए या अपने किसी पर्पज के लिए, तो उसको मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूंगा ताकि आपके लिए वो चीज़ आसान रहे। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ और सिर्फ डिटेल प्रोवाइड करनी होती है जो डिटेल ये रिक्वायर कर रहा होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा प्रोसेस, अगर कोई चेंज हो गया होगा तो वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे ईमेल अभी आपने देख लिया, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ईमेल और नेम पूछा है वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद ये आपसे इस तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेगा, थोड़ा सा यूआई जरा अपडेट हो गई है लेकिन बाकी वही है। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, सॉरी क्रेडिट या डेबिट कुछ भी चलेगा, लेकिन एक वर्किंग फिजिकल कार्ड चाहिए होगा। मैंने पर्सनली नया पे का यूज किया हुआ है, अमेजॉन बैंक का यूज किया हुआ, बैंक कार्ड भी चल जाएगा डेबिट कार्ड। उसमें पैसे कुछ होने चाहिए क्योंकि ये आपको $1 चार्ज करेगा, वो बाद में ये रिटर्न कर देता है 2-3 दिन रखने के बाद। वो सिर्फ इनका सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ताकि ये चीज़ कंफर्म हो सके कि एक एक्चुअल पर्सन ही अप्लाई कर रहा है जिसके पास के 18 ईयर प्लस है, क्योंकि उन्हीं के पास कार्ड होता है। लेकिन आप अपने पेरेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है उसमें, वो आप कर लेंगे। उसके बाद ये अक्सर जगह पे ना आपको इस तरह की ये मतलब सिक्योरिटी चेक दे रहा होगा, आपने जो ये चीज़ होगा नीचे वो टाइप कर देनी है, और फोन नंबर पे भी ये वेरिफिकेशन करवाएगा तो वो भी आपने देखनी है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से आपने फ्री सिलेक्ट करना है, कोई दूसरा सिलेक्ट नहीं करना, नहीं तो उसके भी चार्जेस हो जाएंगे। कार्ड आप इसको दे चुके हैं, आपने यहाँ से फ्री ही सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं। हमारा जो भी काम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली फ्री में चल जाएगा। जैसे ही कोई चीज ऐसी आएगी जिसमें कि पैसे एक्चुअल लगने वाले होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, वो काम आप कर लेंगे तो फिर आपको एक बेसिकली जो आपने नाम अकाउंट नेम रखा हुआ था, नेम के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, उसके थ्रू आप लॉगिन कर लें। होपफुली आपने अब अकाउंट बना लिया होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो आपने न्यू अकाउंट अभी बनाया उसमें लॉगिन करने का क्या तरीका। AWS के रूट यूजर अकाउंट में लॉगिन करने के लिए अगेन aws.amazon.com पे आए, वो उसी पेज पर हमने वापस जाना है। लेकिन आप जब शुरू से कर रहे होंगे तो कैसे आना है, मैंने वहां पे साइन इन पे क्लिक किया और अगेन आप इसी पेज पे लैंड कर जाएंगे। यहां से अगर आपने रूट यूजर में जो न्यू अकाउंट आपने बनाया है जिस ईमेल को यूज करते हुए और जो यूजर नेम रखा था अकाउंट नेम, वो यूजर नेम रूट यूजर नेम कहलाता है। आप इजी अपने काम को रखने के लिए ईमेल को यूज कर लें। यहां पे मैं एक ईमेल यूज करूंगा जो रिसेंटली मैंने जिसको यूज करके हुए बनाया था। नेक्स्ट पे क्लिक करें या आपसे उसका पासवर्ड पूछेगा, आप उसका पासवर्ड एंटर करें। और ये बेसिकली मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस पे ऑन की हुई है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होती है। और ये बेसिकली कोई भी एक टू फैक्टर ऐप जो है उसके थ्रू आप इसको सेटअप कर सकते हैं ताकि जब भी आपके अकाउंट में कोई लॉग इन करे तो उसको ये जो सिक्योरिटी कोड है वो प्रोवाइड करना पड़े। सबमिट, जैसे ही आप करेंगे तो ये बेसिकली रूट यूजर में हम लॉगिन हो चुके हैं, मतलब इसको हमारे अकाउंट की फुल, ये रूट यूजर है, इसको कोई ऐसी चीज की एक्सेस नहीं है जो इसको ना हो। यहां से जब आप रूट यूजर में सबसे पहले आ जाएंगे ना, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपने स्टार्टिंग स्टेप्स क्या करने हैं। AWS के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जो बेसिक टास्क हैं जो आपको करना चाहिए वो ये है। सबसे पहले आप अपना एक रीजन डिफाइन कर लें। ये आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं कि ये आपके अकाउंट का नाम लिखा हुआ है जो आपने चूज किया था, और साथ में अकाउंट आईडी आ रही है और बाकी कुछ लिंक्स आ रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि एक और ड्रॉपडाउन जिस पर मेरे लिए यहाँ पर मुंबई लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा रीजन शो हो रहे हैं। बेसिकली AWS के सर्वर्स पूरी दुनिया में अवेलेबल है, आपने उस रीजन को चूज करना है। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है और आगे बेसिकली उसका कोड लिखा हुआ है। उस रीजन को चूज करना है जो आपके सबसे ज्यादा पास है, ताकि आपको बेसिकली जो है एक तो चार्जेस कम पड़े, उसके अलावा आपकी जो स्पीड रहे एप्स की वो बेहतर रहे। आपने ये देखना है कि आपकी ऐप मेनली कहाँ पे चलेगी। अगर मेरी ऐप मेनली USA में चलनी है तो मैं फिर यहाँ से कोई US का रीजन चूज करूंगा। अगर उसमें बेसिकली जापान में चलना है तो मैं टोक्यो को चूज करूंगा, लंदन में चलना है तो मैं लंदन को चूज करूंगा, आयरलैंड इस तरह जिसमें मैंने, क्योंकि मेनली अभी ये टेस्टिंग के लिए बनाया है और पाकिस्तान में मेरी रिहाइश है, तो मैं यहाँ से मुंबई चूज किया जो कि मेरे क्लोजेस्ट था यहाँ से। ये रीजन्स की ये सारी बात है। और एक चीज आपने याद रखनी है, हम कोई भी काम बेसिकली मेनली S3 हो गया और बाकी लैम्डा फंक्शंस, API गेटवे, इस तरह का कोई भी काम करेंगे ना तो वो रीजन पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर मैंने एक लैम्डा फंक्शन
इस मुंबई रीजन में बनाया वो दूसरे रीजन्स में अवेलेबल नहीं होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो एपीआई कॉल दुनिया के किसी हिस्से में हो नहीं सकती, उसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि मेरे लिए अगर मैं यहाँ से गलती से रीजन चेंज कर लूंगा किसी और में और लैम्डा फंक्शंस में जाऊंगा तो वो मुझे वो लैम्डा फंक्शंस नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरे इस अकाउंट का AWS के जो इस करंट रीजन के सर्वर में कोई डाटा नहीं पड़ा होगा। ये सिर्फ इसका मतलब है। ये जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपके लिए चीज आसान हो जाएगी। आपने सिर्फ स्टार्ट में इसको कोई एक जो रीजन आपके सबसे ज्यादा पास हो उसको आप सिलेक्ट कर लें। अगर आप पाकिस्तान से तो मुंबई सेलेक्ट कर लें, इंडिया से तो मुंबई सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप इसको बेसिकली US ईस्ट 1 पर ही रहने दें। ओके, इसको सिलेक्ट करके US ईस्ट 1 पे कर दें, वो काफी अच्छा है और उस पर फ्री जो ट्रायल वगैरह वो सारी चीजें भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, इसके बाद जो सेकेंड काम आपने करना है वो कॉस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड। AWS में रीजन को स्पेसिफाई करने के बाद अब आपने सेकेंड जो काम करना है वो ये है कि यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है। और मैं आपको नेक्स्ट करने से पहले पहले बता दूं, ये एक सर्विसेज का बटन लिखा हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वो सारी सर्विसेज हैं जो Amazon हमें प्रोवाइड करता है AWS। यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये आगे बेसिकली ये कैटेगरी है और ये उसकी सर्विसेज हैं जो इन डेप्थ सर्विसेज हैं। जैसे कि डेटाबेसिस में हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं AWS पे। अभी के लिए हमने बिलिंग वगैरह पे जाना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर लूंगा कॉस्ट। कॉस्ट लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट एक्सप्लोरर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और एक बात याद रखिएगा, इस चीज को एक्सेस करने के लिए आपका रूट यूजर में लॉग इन होना जरूरी है। ओके, दूसरे यूजर से ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आप आ जाएंगे, मैं क्योंकि बेसिकली पहले भी इसमें आ चुका हूँ, आप जब फर्स्ट टाइम इसमें आएंगे तो आपके सामने लिखा होगा कि बिकॉज यू हैव फर्स्ट, क्या जो उसका मतलब होगा वो ये होगा कि आपने क्योंकि पहली दफा इस पेज को एक्सेस किया है तो हमें 24 घंटे लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस पेज को एक दफा ओपन कर देना है ताकि वो आपके लिए कॉस्ट की मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाए। दैट्स इट। ओके, ये कॉस्ट एक्सप्लोरर को एक दफा ओपन कर लिया। नेक्स्ट, AWS में बजट कैसे सेट करना है। AWS में बजट सेटअप करने के लिए आपने इसी पेज पे जो कॉस्ट एक्सप्लोरर का पेज है या फिर बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट पे, उसकी मेन पे आप आ जाएं। मेनली आपने बिलिंग्स के बेसिकली इस पेज में आ जाना है, ये जिसको कि आप यहाँ पे बिलिंग लिखकर भी सर्च, पहला ही जो रिजल्ट होगा वो बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट होगा। यहाँ पे आने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है बजट एंड प्लानिंग। आप बजट पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो बजट चाहें उसको सेट कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक $5 का बजट सेट किया हुआ है ताकि क्योंकि ये मेरा टेस्ट अकाउंट है तो मैं नहीं चाहता कि इसमें $5 से ज्यादा कोई भी कंजम्पशन हो, और हमारे फ्री टायर में कोई कंजम्पशन होनी भी नहीं चाहिए। हमारे पास 1,00,000 तक लैम्डा फंक्शंस कॉल्स अवेलेबल है, 25 GB तक S3 अवेलेबल है, उसके अलावा भी काफी चीजें हमारे पास फ्री में अवेलेबल है, तो हमें कोई कॉस्ट वैसे भी नहीं पड़नी चाहिए। और ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप इसे कहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है काम यहाँ ज्यादा हो जाए तो आप उसको एक्टिव टाइम पे चेक कर लेंगे करंटली फ्री ट्रायल में क्या अवेलेबल है और फ्री ट्रायल अवेलेबल है भी कि नहीं। बजट को क्रिएट करने के लिए आप इस पेज के आने के बाद क्रिएट बजट पे क्लिक करें, यहाँ से आप इसको ही रहने दें, यूज अ टेम्पलेट। बेसिकली जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। एक चीज आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे हमारा रीजन जो है वो ग्लोबल में चला गया और आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिलिंग वगैरह होती है वो आपके अकाउंट पे होती है, रीजन में नहीं होती। ओके, ये चीज, और आपने इसमें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। अक्सर पेजेस ऐसे होंगे ऐप में, जब आप उन पे जाएंगे मेनली बिलिंग के रिलेटेड सारे पेजेस, तो उनका जो नाम होगा यहाँ से रीजन चेंज होके वो ग्लोबल पे हो जाएगा। उसका मतलब सिर्फ ये है कि ये रीजन वाइज नहीं है, ये आपका अकाउंट वाइज है। आप इसमें जो काम कर रहे हैं वो आपके पूरे अकाउंट पे इफेक्ट करेगा। यहाँ पे मैंने यही रहने दिया यूज टेम्पलेट, उसके बाद जीरो बजट, जीरो स्पेंड बजट ये मैंने कह दिया, और बेसिकली ये वाला नहीं मैंने करना, मैंने करना है क्रिएट अ मंथली बजट। ओके, मैंने ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट लगा देनी है कि आपको कितनी चाहिए, आप $2 लगा दें, जितने मिनिमम बेसिकली आप चाहें उतनी लगा के। यहाँ पे आप ईमेल स्पेसिफाई कर दें कि जिन जिन ईमेल्स पे आप चाहते हैं कि अलर्ट आए अगर ये बेसिकली इसकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपको नोटिफाई कब किया जाएगा, 85% पे किया जाएगा और 100% पे किया जाएगा। ओके, और उसके बाद ये नीचे वाला जो काम है इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप क्रिएट करेंगे आपका प्लान क्रिएट हो जाएगा, और ये
एक मंथ में $1 का जब 85% कंज्यूम हो जाएगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा, जब 100% होगा फिर अलर्ट आ जाएगा। ओके, ये दो चीजें जरूरी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमने IAM, जो कि इसमें बेसिकली एक्सेस और अकाउंट मैनेजमेंट है AWS में, उसका क्या सिलसिला है और उसको हमने कैसे यूज करना है। उससे पहले मैं आपको फ्री ट्रायल के मुतालिक बता दूंगा कि फ्री ट्रायल क्या है AWS का और उसमें हमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। AWS का जो फ्री ट्रायल है उसमें हमें बहुत ज्यादा AWS की सर्विसेज फ्री में यूज करने के लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे आके AWS फ्री ट्रायल इसको सर्च करें और बेसिकली फर्स्ट लिंक या सेकंड, जिसको भी आपने क्लिक करना है उसको क्लिक कर दें। मैं सेकंड को कर रहा हूँ, aws.amazon.com/free, और इस पे आ रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो सारी सर्विसेज हैं जो हमें फ्री में, ये उसकी ड्यूरेशन है, ये 12 मंथ के लिए अवेलेबल है फ्री, ये बेसिकली इसका सिर्फ फ्री ट्रायल अवेलेबल है, ये ऑलवेज फ्री है। यहाँ पे इस तरह आप इसको देख सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं कि फीचर्ड अभी करंटली फीचर्ड कौन सी है, 12 मंथ के लिए कौन सी अवेलेबल है, ट्रायल किन के अवेलेबल है। ठीक है, ये आप करते जाएंगे तो ये इनको बेसिकली रिस्पेक्टिवली फिल्टर करता जाएगा। जैसे कि ट्रायल फ्री, यहाँ पे मैंने ट्रायल्स को किया क्योंकि मैंने फीचर्ड किया हुआ था, इस वजह से वो दूसरी भी आ रही थी, लेकिन उनको मैं खत्म कर दूंगा। तो ये वो वाली सर्विसेज है जिनका सिर्फ फ्री ट्रायल अवेलेबल है। ऑलवेज फ्री कौन सी है, ये वो वाली सर्विसेज है जिनकी इतनी चीजें ऑलवेज फ्री है, तो ये आप सारी देख सकते हैं। ओके, और ये बहुत ज्यादा है, मतलब कि काफी ज्यादा चीजें हमें फ्री में अवेलेबल है, इसलिए हमें मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ये था अमेजोन का फ्री ट्रायल, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं यहीं से जैसे मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करते हैं कि AWS में IAM क्या है। बेसिकली हम एक एडमिन लेवल का यूजर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम उसमें लॉग इन करके फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो रूट यूजर है, जो करंट जिससे हमने AWS का अकाउंट बनाया, उसमें सिर्फ हमने बिलिंग को मैनेज करना है, दूसरे जो यूजर्स के अकाउंट बनाने हैं उनको मैनेज करना है, और सिर्फ मेन सुपर एडमिन लेवल का काम करना है। बाकी कोई भी काम जो बेसिकली लैम्डा फंक्शंस बनाना, APIs बनाना, S3 करना, EC2 करना, कोई भी सर्विसेज को यूज करना, वो हम जो सेपरेट एडमिन अकाउंट्स बनाए होंगे उनके थ्रू किया करेंगे। कंटिन्यू करते हैं IAM के तरफ। IAM के साथ स्टार्ट करने के लिए आप अगेन यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करें और IAM लिखकर सर्च करें। ये एक्सेस मैनेजमेंट बेसिकली टूल है AWS का। वहां पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे IAM डैशबोर्ड पर। बेसिकली AWS में यूजर्स जो हैं उनका फ्लो इस तरह चलता है कि मैं आपको एक डायग्राम बना के शो करवाता हूँ। AWS में जो काम हमारा चलता है वो ये है कि हम यहाँ पे, मैं सबसे पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ, ओके, और उसमें मैं लिख देता हूँ यूजर ग्रुप, और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर इसका रेड पे ले जाते हैं। ओके, ये जरा बेहतर है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके और सेंटर पे ले, हम सबसे पहले एक यूजर ग्रुप बनाते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा जिससे काम चल सकता है, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। यूजर ग्रुप बन गया। यूजर ग्रुप के बाद हम मेनली जो है वो रोल बनाते हैं। इसमें यहाँ पे यूजर ग्रुप्स को हम रोल्स असाइन करते हैं। जैसे कि एक रोल हम बना लेंगे जो कि होगा कुछ भी, हम मैं उसको यूजर ग्रुप रोल 1 कह रहा हूँ। ये मैंने कह दिया कि मैंने एक रोल बना लिया और उसको असाइन कर दिया इस यूजर ग्रुप को असाइन। और रोल बनाने के बाद उन रोल को हम बेसिकली असाइन करते हैं पॉलिसीज, परमिशंस, आप उनको आसान लफ्जों में अगर आप कहना चाहें तो परमिशंस, लेकिन AWS उसको पॉलिसी कहता है, पॉलिसीज उसको असाइन कर देते हैं। पॉलिसीज असाइन हो गई। अब इस रोल को जो बेसिकली जो परमिशंस हैं वो इन पॉलिसीज के थ्रू डिफाइन है, और ये रोल इस यूजर ग्रुप को असाइन है। अब हमने जिन भी यूजर्स को इस ग्रुप में ऐड कर देंगे उनको ये सारी पॉलिसीज इस रोल के थ्रू, इस ग्रुप के थ्रू मिलेंगी। इस ग्रुप को पॉलिसीज कहाँ से मिल रही है, रोल के थ्रू, और यूजर क्योंकि
इस ग्रुप के ग्रुप में आ जाएगा। यहाँ पे मैं यूजर्स ऐड कर देता हूँ, यूजर्स। ओके, तो इन सारे यूजर्स को ये पॉलिसीज जो कि इस ग्रुप को इस रोल के थ्रू असाइन है वो असाइन हो जाएगी। हम डायरेक्ट ये पॉलिसीज यूजर को भी असाइन कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ये रोल भी यूजर को असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड वे है वो ये है कि आप एक रोल बनाए, उसको पॉलिसी असाइन करें, वो रोल एक यूजर ग्रुप को असाइन करें, और यूजर्स जो आपके हों वो ग्रुप में असाइन हो, ग्रुप में ऐड हो। इससे आपको मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लेट्स से कि आपके पास डेवलपर्स हैं, तो आप आराम से एक डेवलपर्स का ग्रुप बनाएंगे, उनको एक डेवलपर रोल बना के असाइन कर देंगे, और जो उसमें आपको पोजीशन चाहिए, पॉलिसीज, परमिशंस, वो असाइन कर देंगे। अब जो जो आपके डेवलपर्स हैं वो इस ग्रुप में ऐड होते जाएंगे। लेकिन अक्सर अवकात ये भी होगा कि कोई एक डेवलपर है जिसको जरा ज्यादा परमिशन चाहिए, कि वो बेसिकली डेवऑप्स का भी काम कर रहा है या कोई और एक काम कर रहा है, बिलिंग मैनेज कर रहा है, व्हाटसोएवर कर रहा है, तो आप एक अलहदा स्पेसिफिक रोल बना के उस यूजर को भी असाइन कर सकते हैं, या फिर कोई डायरेक्ट पॉलिसी भी उस यूजर को असाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली मना नहीं करते इससे, लेकिन रिकमेंडेड वे ये है कि आप यूजर ग्रुप्स के थ्रू जाएं ताकि आपके लिए मैनेज करना आसान हो। कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो AWS में जो IAM है वो बेसिकली काम कैसे करता है? इसमें बेसिकली हमारे पास यूजर ग्रुप्स हैं, यूजर्स हैं, रोल्स हैं और पॉलिसीज हैं, बाकी भी चीजें हैं, लेकिन मेनली अभी हमारे जो काम की चीजें हैं वो सिर्फ ये हैं। और अभी मोर स्पेसिफिकली अगर करें तो सिर्फ यूजर ग्रुप, यूजर्स और पॉलिसीज, रोल्स हमें बाद में जरूरत होगी। आपने अपने अकाउंट में कोई भी यूजर ऐड करना है तो जो रिकमेंडेड वे है वो ये है कि आप एक यूजर ग्रुप बनाए, उस ग्रुप को आप पॉलिसीज या आप इनको परमिशंस भी कह सकते हैं, आपके अकाउंट में जो काम करने की परमिशन है, अमेज़न उसको पॉलिसीज कहता है, जो परमिशन पॉलिसीज है वो आप ग्रुप को असाइन करें, और उसके बाद यूजर्स ऐड कर दें इस ग्रुप में, और इन ये जो यूजर्स होंगे जो कि इस ग्रुप में ऐड होंगे उनको वो सारी पॉलिसीज असाइन होंगी जो कि इस ग्रुप को असाइन है। ये तरीका रिकमेंडेड है। आप डायरेक्टली यूजर को भी कोई पॉलिसी असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड वे है वो यही है कि आप ग्रुप को असाइन करें और यूजर्स को ग्रुप में ऐड करें, ताकि अगर आपके पास डेवलपर्स का एक ग्रुप है, मार्केटर्स का, अकाउंटेंट का, तो अलहदा अलहदा ग्रुप्स हो, उनको स्पेसिफिक परमिशंस जो उनको चाहिए वो असाइन हो और उनमें आप यूजर्स को मैनेज कर सके। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे यूजर्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक पहले ही क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन मैं क्रिएट न्यू पे ग्रो करूंगा, क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे आप ग्रुप का जो भी नाम रखना चाहते हैं, मैं डेवलपर्स रख देता हूँ, आप जो भी नाम रखना चाहें उसको नाम को रख लें। उसके बाद ये आपको नीचे वो सारे यूजर्स दिखा रहा है जो अभी इस बेसिकली मेरे अकाउंट में अवेलेबल है, क्योंकि मैंने पहले ही एक को ऐड किया हुआ है, और नीचे ये आपको सारी पॉलिसीज दिखा रहा है, परमिशंस दिखा रहा है जो कि इस अमेज़न के अकाउंट में हो सकती है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि अच्छा मुझे S3 के रिलेटेड सिर्फ दिखाओ, तो वो S3 की दिखा रहा है। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर एडमिन आप सर्च करेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है। ये बेसिकली हर एक AWS जो सर्विस है उसकी एडमिन एक्सेस ऐड कर देगा इस रोल के लिए। ओके, इस ग्रुप को यहाँ से आप बेसिकली कोई और भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हमने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ऐड कर दी तो बाकी सबकी भी एडमिन एक्सेस ऐड हो चुकी है। यहाँ से आप क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली ग्रुप को क्रिएट कर देगा। अब आप जो न्यू ग्रुप आपने बनाया उस पर क्लिक करें और आप उस ग्रुप के डिटेल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कोई यूजर अभी इसमें नहीं है। परमिशंस पे आप आएंगे तो आप देख सकेंगे कि जो पॉलिसीज आपने इसको असाइन की है वो यहाँ पर है। आप चाहें तो यहाँ से एड अटैच पॉलिसी करके इसको एक और पॉलिसी भी ऐड कर सकते हैं। और जो लास्ट पर जो टैब है वो अभी आपके काम का नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको परमिशंस और यूजर्स इसी की जरूरत है। नेक्स्ट, अब हम कंटिन्यू करेंगे यूजर्स पे। हमने एक ग्रुप बना लिया, अब हमने यूजर बनाना है, और उसके लिए यहाँ पे मैं क्रिएट यूजर पे क्लिक करूंगा, एक यूजर का नाम दूंगा, व्हाटएवर डेवलपर वन, ये मैंने यूजर का नाम दे दिया, U1 कह देता हूँ मैं। ओके, और इसको बेसिकली यहाँ पे आपने करना है, उसके बाद आपने इसको चेक कर देना है कि इसको AWS मैनेजमेंट कंसोल जो कि ये करंट कंसोल है इसकी एक्सेस दो, और यहाँ से आपने क्लिक कर देना है आई वॉन्ट टू क्रिएट IAM यूजर। बेसिकली ये जो दूसरा ऑप्शन है ये मैं आपको बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। अभी के लिए हमने क्या किया, यूजर का नाम दिया,
इस चेकबॉक्स को चेक किया कि AWS मैनेजमेंट कंसोल की एक्सेस देनी है और यहाँ से कह दिया कि IAM यूजर को क्रिएट करना है। यहाँ से आप इसको ये रहने दे सकते हैं कि ऑटो जनरेटेड पासवर्ड हो और बाद में इसको भी चेक कर दें कि भाई जब यूजर फर्स्ट टाइम लॉग इन करे तो वो अपना पासवर्ड खुद जो उसने सेट करना है उसको सेट कर दें। अगर आप इसको खुद यूज करेंगे तो फिर आप यहीं से अभी के लिए कस्टम एक पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं उसको सेट कर दें और यहां से इसको अनचेक कर दें ताकि आपको बाद में वो पासवर्ड चेंज ना करना पड़े क्योंकि आपने खुद इसको यूज करना है। मैं अभी इसको ये रहने दूंगा और ऑटो जनरेट कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब ये कह रहा है कि इसको कोई ग्रुप में ऐड कर दो। आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन हैं कि आप ग्रुप में ऐड कर दें जो कि रिकमेंडेड वे है जो मैं कह रहा हूँ कि करना है। दूसरा है कि आप डायरेक्ट इसको बेसिकली किसी दूसरे यूजर से परमिशंस को कॉपी कर लें, जो परमिशंस इसको है वो यहाँ पे डायरेक्ट यूजर को ऐड हो जाएंगी। तीसरा कि आप डायरेक्ट यहाँ से जो भी परमिशंस पॉलिसीज हैं डायरेक्ट इस यूजर को अटैच कर दें। आप ये कर सकते हैं लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आप यहाँ पे ग्रुप में ही दें, जो ग्रुप हमने इसके लिए बनाया उसको सिलेक्ट करें और दैट्स इट। ये वाला अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, सेट परमिशन बाउंड्रीज नेक्स्ट करें। और उसके बाद ये आपको बता रहा है कि क्या यहाँ पर बेसिकली इसको क्या एक्सेस होगी कि ये परमिशन शर्मिंदगी है और ये इसकी यूजर की डिटेल है, दैट्स इट। अगर आप टैग्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। टैग्स बेसिकली ऐड करने से या ना करने से आपके इस यूजर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहने के एक सर्च मैनेजमेंट या सॉर्टिंग क्राइटेरिया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज को एक टैग असाइन कर दिया स्पेसिफिक और आप उस टैग के थ्रू उसको सर्च कर लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो ये सिर्फ ये है। अभी के लिए मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये आपको बेसिकली इसका ये साइन इन यूआरएल देगा। ओके, डेवलपर का जो यूजर नेम है इस यूजर का वो देगा, ये जरूरी है। और जो इसका पासवर्ड जनरेट किया गया वो जरूरी है। आप ये प्लीज सीएसवी को जरूर डाउनलोड कर लें या फिर अपने आपको जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ईमेल कर लें। मैं यहाँ पर सीएसवी डाउनलोड कर लूंगा। ओके, और जो पासवर्ड है उसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके उसको मैं स्टोर कर लूंगा लोकली ताकि, और उसके बाद आप क्लिक कर दें रिटर्न टू यूजर्स लिस्ट। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं आपका यूजर ऐड हो चुका है। अब आपका ये मेन जो रूट यूजर का काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो हर एक काम इस रूट यूजर के साथ कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड वे यही है कि आप एक अलहदा यूजर बनाए एडमिन लेवल का और जो जो परमिशन सिर्फ उसको चाहिए वही उसको असाइन करें और बाद में उसके थ्रू काम किया करें ताकि आपके लिए एक तो जो प्रिंसिपल है आप उसको भी फॉलो करें AWS का और आपको इसकी आदत भी बढ़ जाए और दूसरों को भी जब एक्सेस देनी हो तो आप गलती से रूट यूजर की एक्सेस किसी को ना दे दें, अदरवाइज वो आपके अकाउंट में कुछ भी कर सकता है। रूट यूजर को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हम यहाँ पर इसको लॉग आउट कर देंगे अब जो रूट यूजर है और नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे साइन इन प्रोसेस से जो कि हमारा एक IAM यूजर है उसके साइन इन। जो हमने अभी अभी एक IAM यूजर बनाया है उसमें लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो रूट पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। आप बेसिकली इस पेज पे शायद रीडायरेक्ट हो जाएं तो आपने फिर अगेन क्लिक कर देना साइन इन टू कंसोल और आप वापस इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से अब हमने रूट यूजर में लॉगिन नहीं करना, हमने IAM यूजर पे करना है। और सबसे पहले ये आपसे पूछता है कि अच्छा मुझे अकाउंट ID बताओ। ओके, और वो अकाउंट ID बेसिकली आपको प्रोवाइड की गई थी, जो आपको URL प्रोवाइड किया गया था जब आपने अकाउंट बनाया था तो उसमें ही वो अकाउंट ID भी अवेलेबल थी। मैं यहाँ पर वो अकाउंट ID प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली ये आपको URL जब आपने यूजर अभी अभी बनाया तो ये आपको एक उसका लॉगिन URL प्रोवाइड किया गया था जिसमें कि ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग में डिजिट्स हैं मैंने ब्लर किए हुए हैं क्योंकि बेसिकली ये सिक्योरिटी के लिए, ये आपकी अकाउंट ID। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं, फिर भी आप वहीं पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट इस URL को एंटर करेंगे तो भी आप इसके जो एग्जैक्ट लॉगिन पेज होना चाहिए उस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने वो यूजर नेम देना है जो अभी अभी आपने क्रिएट किया था यूजर। ओके, मैं उसको एंटर करूंगा और उसके बाद अब पासवर्ड देना है। यहाँ पर पासवर्ड जो था इसका वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ये ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है, हमें इसको रीसेट करना पड़ेगा जैसे ही हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लॉगिन हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको रीसेट करो, मतलब चेंज करो, क्योंकि वो हमने वहां पर चेकबॉक्स को चेक किया था। हम ओल्ड पासवर्ड जो करंट पासवर्ड है वो देंगे और न्यू पासवर्ड जो सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर इसको अल्लाह ऐड कर देंगे। उसी पासवर्ड न्यू पासवर्ड को कन्फर्म कर लेंगे
चेंज करेंगे। और जैसे ही आप पासवर्ड को चेंज कर देंगे तो आपका न्यू पासवर्ड सेट हो जाएगा, आप उसको सेव कर लें ताकि आप उसको भूल ना जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट में आपको कॉस्ट वगैरह की एक्सेस नहीं है, मतलब कॉस्ट के रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप मैनेज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे बिलिंग में जाएं और यहाँ पे बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट जो था, यहाँ पे आप आएंगे तो बेसिकली जिन जिन चीजों की तो आपको एक्सेस है वो शो कर देगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वहां पे ये आपको बता देगा कि इस चीज की आपको एक्सेस नहीं है और हमें इसकी एक्सेस चाहिए भी नहीं है, ये रूट यूजर का काम है। हम IAM में आएंगे और वहां पर कंटिन्यू करेंगे। IAM में आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास एडमिन एक्सेस है तो एडमिन के पास ये परमिशन है कि वो यूजर क्रिएट कर सके, डिलीट कर सके, ऑल दैट। तो यहाँ पर ये हमारे वो दो यूजर। अब बाकी जितना भी काम है हम इसमें करेंगे, इस यूजर अकाउंट में करेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि IAM भी हमारे अकाउंट लेवल पे है, ग्लोबल लेवल पे है, किसी रीजन लेवल पर नहीं है। हम वापस डैशबोर्ड में आ जाएंगे और ये हाँ से अब हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो अब हम चीज देखेंगे वो ये देखेंगे कि हमने बेसिकली हमारा जो एजेंडा है इस AWS की स्टार्टिंग कोर्स का, लेवल 1 कोर्स का, वो ये है कि हमने AWS लैम्डा प्लस AWS API गेटवे प्लस AWS डायनामो डायनामो DB प्लस AWS S3, मेनली बेसिकली इन तीन को यूज करते हुए हमने एक रेस्टफुल API बनानी है जो कि हम फ्रंट एंड पे अपनी जगह पे यूज कर रहे होंगे। और AWS S3 को यूज करते हुए हम बेसिकली अपनी फाइल्स को स्टोर करेंगे AWS पे, मेनली ये चीजें हम कर रहे होंगे। और साथ में हमारे पास AWS क्लाउड वॉच होगा जिसमें कि हमारी जो सारी इवेंट लॉगिंग हो रही होगी वो सारी वहां पे हो रही होगी। जो हमारा स्टार्ट होगा काम वो सबसे पहले मैं आपको AWS लैम्डा को दिखाऊंगा कि AWS लैम्डा क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो मैं आपको AWS API गेटवे दिखाऊंगा वो क्या चीज है। उसके बाद मैं आपको AWS डायनामो DB का बताऊंगा वो क्या चीज है। जब हम इन तीनों को देख लेंगे तो हम अपनी एक बेसिक सी रेस्टफुल API बनाएंगे। हम एक यूज केस डिफाइन कर लेंगे कि अच्छा हम ये API बनाना चाह रहे हैं और फिर हम उस API को बनाएंगे। जब हमारे पास वो API बन जाएगी फिर हम उसको टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में, और टेस्ट करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी फ्रंट एंड ऐप में जो कि हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस में बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे AWS लैम्डा से। AWS लैम्डा से स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करें और यहाँ पर लैम्डा लिखकर सर्च करें, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट पे ही, उस पर क्लिक कर दें। AWS लैम्डा बेसिकली क्या है? अगर आपने आज तक फायर बेस फंक्शंस के साथ काम किया हुआ है या फिर अजूर फंक्शन के साथ काम किया है तो ये एक सिमिलर ही सर्विस है उसी तरह की। ये बेसिकली सर्वरलेस फंक्शंस हैं जिनमें कि आप अपना कोड लिख देते हैं और इसमें काफी ज्यादा आपके पास ऑप्शन है कि आप नोड में लिख सकें, .NET में, पाइथन में, जावा में, और भी काफी ऑप्शन है जो कि मैं आपको अभी दिखा दूंगा। आप इसमें अपना कोड लिख देते हैं और उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें से ही एक URL निकाल सकते हैं, लेकिन हम API गेटवे को यूज करेंगे और क्योंकि वो काफी ज्यादा कंफिगरेबल है और बहुत ज्यादा बेहतर भी है डायरेक्ट लैम्डा फंक्शन URL को यूज करने से। वो हमें एक URL प्रोवाइड कर देगा जो कि इस लैम्डा फंक्शन को हिट करेगा। हम उस URL को अपनी ऐप में से हिट किया करेंगे, वो एट द एंड हमारे लैम्डा फंक्शन को हिट करेगा। लैम्डा फंक्शन ने जो भी काम करना होगा वो काम करेगा और हमें एंड रिजल्ट दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो जो बेसिकली ये डेमो फंक्शंस हैं, हम शुरू से बनाएंगे इनको दोबारा और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर मैं बेसिकली क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करूंगा, ओके। और रीजन प्लीज यहाँ पे स्पेसिफाई देख लीजिएगा कि जो आपने रीजन, अब जो है ये सारा काम रीजन बेस्ड है, ओके। तो अब जो भी हमने काम करना है वो सारा रीजन बेस है, इस वजह से प्लीज अपना रीजन जो है उसको डबल श्योर कर लीजिएगा कि वही है जो आप चाहते हैं। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपको समझ नहीं लग रही रीजन की तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप उसको जो US East 1 है
या फिर यूएस ईस्ट टू, दोनों में से यूएस ईस्ट वन रहने दें, कोई उसमें इतना मसले वाली बात नहीं है ओके। क्योंकि ये सारा हमारा डेमो टास्क है, जब हमें समझ आ जाएगी अच्छी तरह से फिर हम इस पर कंटिन्यू कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और अपना पहला लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप AWS लैम्डा को फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे होंगे, तो आपको ये UI इस तरह नजर नहीं आएगी। आपको जो UI नजर आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, और वहां पर भी बेसिकली यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड लिखा होगा, और ये पेज काफी कह लें कि मजेदार भी है और हेल्पफुल भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन लैंग्वेजेस जो कि AWS लैम्डा फंक्शंस में सपोर्ट करती हैं, ये कस्टम रन टाइम को हम इस कोर्स में एटलीस्ट स्टडी नहीं करेंगे, नेक्स्ट किसी कोर्स में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस चीज है। हम मेनली इस जो कोर्स में Node.js को यूज कर रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी कोर्स में पाइथन या .NET या जावा पर भी काम करेंगे, और अगर मैंने कभी रूबी सीखी तो उस पर भी काम करेंगे। अच्छा, यहाँ से बेसिकली देखने के लिए कि ये काम कैसे करता है, आप Node.js को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ सिर्फ। आप देख रहे हैं कि वो बेसिकली मुझे बता रहा है कि अच्छा ये रिस्पॉन्स आएगा और वो रिस्पॉन्स यहाँ से आ रहा है। मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ इसको, ये बेसिकली एक प्ले ग्राउंड है ऐसा, यहाँ पे ये चेंज नहीं कर रहा। आप यहाँ पे क्लिक करें, जब रन एक दफा करेंगे उसके बाद ये एक्टिव होगा। मैंने इस पे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये आपको बता रहा है कि अच्छा ये जो लैम्डा है ये काम कैसे करता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखें इवेंट्स आ रहे हैं काफी ज्यादा। उसने क्या किया, जितने इवेंट्स आए उतनी लैम्डा फंक्शंस की इंस्टेंस क्रिएट की है, मतलब उतने ज्यादा फंक्शंस क्रिएट हो गए जो हैंडल कर रहे हैं, एक फंक्शन एक रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। इस तरह से 10-12 दफा उसने उस फंक्शन को रन किया और जल्दी से उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद जितना वर्कलोड था बाकी इंस्टेंस को क्लोज कर दिया और सिर्फ जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट है। तो ये सारा सर्वरलेस चल रहा है, और इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही पे करेंगे जितना कि हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, इसकी स्केलेबिलिटी आप देख सकते हैं, अगेन ये वही बता रहा है, और प्लीज इसको माइंड ना करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाखों में चेंज कर रहा है एक दफा में, तो ये नहीं है कि एक रिक्वेस्ट आएगी तो हमें इतनी कॉस्ट, वो एक यहाँ पे एक जो इंस्टेंस है उसको लाख कंसिडर कर रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट 1 मिलियन फ्री है, उसके बाद जो है वो हमें चार्जेस पड़ते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा जो रीजनेबल चार्जेस हैं वो हमें के जो सेकंड जो 1 मिलियन है वो हमें 0.2 सेंट में पड़े हैं ओके। और ये सारी प्राइसिंग आप यहाँ पर AWS लैम्डा प्राइसिंग लिखकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्राइसिंग में चले जाए, और ये बहुत ज्यादा रीजनेबल है, बहुत जबरदस्त है। अब क्रिएट फंक्शन, यहाँ से आप क्रिएट यहाँ पे क्लिक कर दे, नहीं तो यहाँ पे आ रहा होगा वहां पे चल जाए। ये साइड बार है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। ये आपको बता देगा कि अभी टोटल फंक्शन कितने हैं, टोटल स्टोरेज कितनी है, और क्या बेसिकली बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं। अभी हमने जहाँ पे जाना है वो ये फंक्शंस पे है। एप्लीकेशंस क्या चीज है इनको हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हमने फंक्शंस पे देखना है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ फंक्शन, अब हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट करने लगे। यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन है कि हम शुरू से बनाए फ्रॉम स्क्रैच, कोई बॉय ब्लू प्रिंट यूज कर लें या फिर कंटेनर इमेज, हम शुरू से बनाएंगे। ये जो थोड़े एडवांस है इनको हम बाद में देखेंगे। जो भी आपने फंक्शन का नाम देना है आप यहाँ पे देते हैं। मैं बेसिकली कह देता हूँ Zions YouTube course F1 ओके फंक्शन 1, या फिर AWS Lambda F1 ओके। यहां से अब आप कोई इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं ओके। हमारे पास नोट के पुराने वर्जन भी अवेलेबल हैं, ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट सपोर्टेड वर्जन, अदर वर्जन और बाकी भी काफी कुछ। मैं यहाँ पे नोट 20 पे ही रहूंगा क्योंकि मैं वही चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ से आप एक आर्किटेक्चर यूज करेंगे जो आपको बेसिकली सूटेबल लगता है। मैं जो है अभी इसको डिफॉल्ट पे ही रहने दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, अभी हम डिफॉल्ट पे रहेंगे। नेक्स्ट करते हैं ये चेंज डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल। यहाँ पे बेसिकली आप अब बात आई है रोल की, और इसको हम पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली जब हम AWS IAM के सेक्शन में थे तो तब मैंने आपको बताया था कि साइड बार में हमारे पास यूजर ग्रुप्स थे, यूजर्स थे, रोल थे और पॉलिसीज थे। उस वक्त मैंने कहा था कि हम रोल्स को भी स्टडी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अब वो टाइम आ गया कि हमने रोल्स को स्टडी कर। यहाँ पे मैं अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए कंटिन्यू करने के लिए, मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रोल विद बेसिक लैम्डा परमिशंस इस पे देने दूंगा, और इसको अभी के लिए ये देने दूंगा। लेकिन नेक्स्ट जब भी हम लैम्डा फंक्शन बनाया करेंगे
तो हमारा एक, हम अभी इसके बाद एक कस्टम रोल बनाएंगे और उसके थ्रू ही जाया करेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग रोल किया करेंगे। और यहाँ पे ये बेसिकली मैंने एक बनाया भी हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ इसको फिर एक दफा बनाऊंगा और फिर हम उसी रोल को यूज किया करेंगे। एडवांस सेटिंग्स में आते हैं, इसमें से अभी आपने यहाँ पे कोई भी चीज अनेबल नहीं करनी। आप टैग्स को कर सकते हैं, इसके आपको कोई पैसे पुसे नहीं भरेंगे, लेकिन बाकी चीजों को प्लीज अनेबल ना करिएगा। ओके, फंक्शन यूआरएल, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी सिर्फ हमें एक लैम्डा फंक्शन चाहिए। ओके, और यहाँ पे मैं बेसिकली, आप काइंडली इसको, ये मैं आपके साथ ही चलता हूँ, इसको क्रिएट अ न्यू बेसिक रोल विद लैम्डा परमिशन, इस पे रहने देंगे। और ये आपको बता रहा है कि ये एक नया रोल बन जाएगा। ओके, क्रिएट फंक्शन करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 3-4 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड लेगा, और आपका जो फंक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन क्रिएट होगा, ये बेसिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस फंक्शन के पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फंक्शन क्रिएट हुआ है और इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि इसने रोल भी बनाया है। अब हम इस पेज को बाद में स्टडी करेंगे, पहले रोल्स से कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे सर्च करूंगा IAM और पहले पे चला जाऊंगा, और यहाँ पे मैं रोल्स में आऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला बेसिकली जो पहले 3 रोल है वो मैंने पहले बनाए हुए हैं, उनको प्लीज अभी के लिए स्किप कर दें। ये वाला रोल है जो अभी अभी इस फंक्शन के लिए बना है, और ये इसका एग्जैक्ट नाम वहां पे लिखा भी हुआ था जो कि मैंने आपको बताया था। ये रोल अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और बेसिकली इसकी परमिशंस पे देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसको क्या परमिशन असाइन है। इसको बेसिकली ये एक पॉलिसी असाइन है। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ इस पॉलिसी पे, तो ये मुझे इस पॉलिसी के पेज पे ले जाता है, और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इसको क्लाउड वॉच की जो बेसिकली लॉग्स है वो असाइन है, कि ये क्लाउड वॉच में, क्लाउड वॉच बेसिकली क्या है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन से बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लें कि ये एक लॉगिंग सिस्टम है जिसमें कि हर एक चीज का लॉग रखा जाता है। अच्छा, एक काम हुआ था, कब हुआ था, क्या उस काम का रिजल्ट आया था, अगर एरर आया था तो क्या एरर था, सारी चीजें, किसने एक्सेस किया, कब एक्सेस किया, किन चीजों के साथ एक्सेस किया, किस चीज को एक्सेस किया, सा लॉगिंग का जो भी काम है वो क्लाउड वॉच संभालता है। और पॉलिसीज में वापस आते हैं, तो ये पॉलिसी सबसे पहले उन्होंने क्रिएट की थी, इसके लिए कस्टम पॉलिसी, यहाँ से बेसिकली ये कस्टम मैनेज पे चले जाते हैं। तो ये बेसिकली कस्टम पॉलिसीज हैं जो कस्टमली क्रिएट की गई हैं, कस्टमर मैनेज्ड, आप उसकी टाइम देख सकते हैं, कस्टमर मैनेज। और इनमें से ये वाली पॉलिसी एक इसको लगी हुई है, जिसको कि मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे, वो मुझे बता देगा कि ये वाली पॉलिसी इसको लगी हुई है, ये पॉलिसी है, ये अभी अभी बनी है। और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं उनको कोई परमिशंस नहीं है, ये बेसिकली मैंने शायद डिलीट कर दी होंगी या जो भी है, उनको मैं अभी फिर डिलीट कर दूंगा। ये एक पॉलिसी है जिसमें वो मुझे बता रहा है कि भाई एक पॉलिसी इसको अटैच है। ओके, और वंस अगेन अभी के लिए मैं इस जो रोल को है इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये रोल नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करूंगा। और यहाँ पे मुझे ये एग्जैक्ट नाम लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि मैं एक्सीडेंटली किसी चीज को डिलीट ना कर दूं। ये डिलीट हो गया, यहाँ पे रोल्स डिलीट हो गए। इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही रिफ्रेश, वहां पे ही जाएंगे कस्टमर मैनेज्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि वो बेसिकली रोल डिलीट हो गया, उसके अगेंस्ट जो इस पॉलिसी को परमिशन असाइन थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा और मैं इन तीनों को ही डिलीट कर दूंगा, मुझे ये अभी नहीं चाहिए। ये पहले से क्रिएट थी जब मैं लैम्डा फंक्शंस को बना रहा था, ये वाली अभी क्रिएट हुई है, बाकी वाली दोनों पहले से क्रिएट थी, दोनों तीनों, तो मैं उनको बस डिलीट कर दूंगा ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सके। इनको डिलीट करने के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आप काइंडली अपनी जो AWS की, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कोस्ट एक्सप्लोरर को ओपन करवाया था, वो 24 घंटे के बाद आपको एक्सेसिबल होगा। प्लीज उसको कम से कम हफ्ते में एक दो दफा जरूर देखें ना, ताकि आपको अगर कोई भी किसी वजह से कॉस्ट पड़ रही है तो आपको फौरन पता चल जाए और आप उस सर्विस को बंद कर दें, डिलीट कर दें, ताकि आपको कोई कॉस्ट ना पे करनी पड़े। अगर आपके AWS अकाउंट में बेसिकली कोई कॉस्ट आती है और अगर आप उसको पे नहीं करते, तो ये आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज का रिस्क बिल्कुल ना लीजिएगा, ये बहुत जरूरी अकाउंट है और हम सिर्फ $1-2 के लिए इसको जाया नहीं करेंगे कभी भी, वो बहुत ज्यादा कह लें कि अनफेयर बात होगी। नेक्स्ट, अब हम एक रोल बनाएंगे। ये मैं आपको रोल दिखा देता हूँ, मैंने इसको इसमें क्या किया हुआ है। इसमें अभी के लिए मैंने कोई परमिशन असाइन नहीं की हुई, मैं सिर्फ और सिर्फ एक डमी रोल बनाया हुआ है, ताकि जब भी मैंने इन द एंड जब मैं बेसिकली API को पब्लिश करूंगा, मतलब प्रोडक्शन में API जाएगी, तब हम उसको
क्लाउड वॉच का जो है रोल, परमिशंस जो है वो असाइन करेंगे ताकि वो क्लाउड वॉच इवेंट्स जनरेट कर सके, हमारे पास लॉगिंग रहे कि प्रोडक्शन में जब हमारी एपीआई एक्सेस हुई तो उसका कोई मसला हुआ तो हमें पता रहे। अभी मुझे वो नहीं चाहिए तो इस वजह से मैंने बंद किया। अब हम एक रोल बनाएंगे, रोल बेसिकली यूजर ग्रुप हम बनाते हैं यूजर्स के लिए, रोल्स हम बनाते हैं AWS की सर्विसेज के लिए, जैसे कि लैम्डा AWS की सर्विस है, इसको परमिशन चाहिए कि ये AWS की दूसरी सर्विस जो कि क्लाउड वॉच है उसमें काम कर सके, तो इसको रोल असाइन करेंगे और परमिशन दे देंगे। अगेन हम इसको डायरेक्ट परमिशन भी दे सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड वे है कि आप रोल्स के थ्रू जाए। ओके, अब हम रोल बनाएंगे, यहाँ से AWS सर्विस लेगा कि हम सर्विस के लिए कर रहे हैं, बाकी क्या चीजें वो हम बाद में देखेंगे जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ से अब आप देख लेंगे कि बेसिकली यहाँ से कौन सी सर्विस के लिए ये रोल बन रहा है। मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई ये लैम्डा के लिए बन रहा है, लैम्डा सर्विस को ये रोल देना। और ऑब्वियसली आप यहाँ से ज्यादा को भी चूज कर सकते हैं कि ठीक है ये भी सर्विस हो वो भी सर्विस हो, दैट्स इट। मैं अभी के लिए सिर्फ लैम्डा पे जा रहा हूँ कि ओके मुझे सिर्फ लैम्डा चाहिए। ओके, और बेसिकली आप एक जो रोल बनेगा वो एक सर्विस के लिए ही बनेगा। ये लैम्डा आ गया, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अब आपने कौन सी परमिशन इसको असाइन करनी है, और प्लीज यहाँ पे जरा एहतियात के साथ एक्सेस करिएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम है, लैम्डा फंक्शन वो सारे काम कर देगा जिसकी इसको परमिशन होगी। ओके, ऑब्वियसली क्लाउड वॉच इवेंट क्योंकि जो डिफॉल्ट डाटा बना हुआ है ना वो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे कि लॉगिंग करना। अगर लैम्डा सिर्फ ये देखेगा क्या मेरे पास लॉग करने की परमिशन है, अगर परमिशन है तो मैं लॉग कर दूंगा, अगर परमिशन नहीं है तो लॉग नहीं करूंगा। और लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे कि मैं यहाँ पर कोड लिखूं, अब मैं कोड में कोई ऐसा काम करता हूँ जैसे कि मैं कोड में कहता हूँ कि SMS सेंड करो, तो वंस अगेन अगर तो SMS सेंड करने की परमिशन इसको लैम्डा को असाइन होगी तो सेंड हो जाएगा, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देगा कि भाई मेरे पास परमिशन नहीं थी और मुझे SMS सेंड करने का कह दिया, दैट्स इट। कोई भी यहाँ पे काम करना है, कोई थर्ड परमिशन को सॉरी सर्विस को एक्सेस करना है तो उसकी परमिशन इस लैम्डा फंक्शन को एटलीस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। अभी के लिए हम यहाँ पे क्लाउड वॉच चलें, मैं जो अभी आपको बता रहा था कि हमें वो चाहिए क्लाउड वॉच। ओके, यहाँ से आप फुल एक्सेस दे सकते हैं लेकिन मैं अभी के लिए जो इसको चाहता हूँ क्रिएट की एक्सेस देना चाहता हूँ। क्लाउड वॉच को आपने एक्सेस किया, ये सारे अब क्लाउड वॉच के आ रहे हैं, दैट्स इट और इसको हम बाद में फाइन ट्यून कर लें। अभी के लिए मैं बेसिकली क्लाउड वॉच इवेंट्स फुल एक्सेस इसको दे रहा हूँ। ओके, और आपने बेसिकली उस पर क्लिक मैंने क्योंकि कर दिया, अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे करेंगे, ये सिलेक्टेड हो गया, वैसे क्लिक कर देंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा कि अच्छा अभी अगर आप इस चीज को करेंगे तो यही आ जाएगा। और अभी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी पैसे पड़े तो मैं इस रोल को अभी कोई भी परमिशन असाइन नहीं करूंगा ताकि कोई भी ये ऐसा काम ना करे जिससे मुझे कोई पैसे पड़ सके। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा अंटिल अनलेस जब हमें फुली श्योर हो जाएगा कि हमें ये चीज चाहिए फिर हम उसको असाइन करेंगे। अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, हमें लैम्डा में लॉग्स अभी करने के लिए जरूरत नहीं है, उसके बिना हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे ये आपको फाइनल इन इस फॉर्मेट में बता रहा है कि अच्छा ये आपकी पॉलिसी बनी है, ये मैं उसको असाइन कर दूंगा। ओके है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। टैग को ही ऐड करना है तो आप कर दें, टैग ऐड करने का तरीका ऐड बटन पे क्लिक करें, कोई भी नाम दें टैग का, जैसे कि मैं यहाँ पे दे सकता हूँ टाइप रोल फॉर लैम्डा। ओके, ये मैंने इसको क्या दिया क्रिएट रोल किया, और ऑब्वियसली सॉरी रोल का नाम नहीं मैंने दिया, रोल का मैं नाम दे रहा हूँ लैम्डा फंक्शंस एम्प्टी रोल या फिर रोल विद नो परमिशंस आर टू, क्योंकि मैंने पहले भी एक बनाया हुआ है इस वजह से क्रिएट रोल करूंगा, ये रोल को क्रिएट कर देगा और ये हमारे पास आ गया क्योंकि मैंने पहले भी जो रोल बनाया वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि रोल कैसे बनता है, परमिशन क्या होती है, ETC। मैं अब इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट किया, अगेन इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा और डिलीट कर। नेक्स्ट, अब हम जो भी लैम्डा फंक्शन बनाया करेंगे हम इस रोल को सिलेक्ट किया करेंगे यूज एग्जिस्टिंग, क्योंकि बाद में जब हमें उसको कंट्रोल करना होगा इसमें परमिशन ऐड करेंगे और दैट्स इट। वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं लैम्डा फंक्शन से। लैम्डा फंक्शन का ये एडिटर पेज है, बेसिकली आप
यहाँ पे ये फंक्शंस का पेज है, इस साइड बार को ओपन कर लें, अभी हम यहाँ पर हैं। यहाँ से जिस फंक्शन पे आपने जाना है बेसिकली उसके डिटेल पेज पे, उस पर क्लिक करें और उसके आप डिटेल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे लेयर्स क्या चीज़ है, ट्रिगर क्या चीज़ है, डेस्टिनेशन क्या चीज़ है, ये जरा एडवांस है, इस पर हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। अभी हम मेनली स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे इन टैब्स को सिर्फ देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोड का टैब है, यहाँ पे आपका ये मेन कोड है जो कि जो भी काम करना है इस कोड में करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले इवेंट ऑब्जेक्ट को ले रहा है और रिस्पॉन्स जो एक डमी रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस डमी रिस्पॉन्स में इवेंट को भी ऐड कर दूंगा और उसके बाद एक स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करते हुए अदर पैरम्स, मैंने कि जितने भी बाकी पैरम्स थे वो सारे मैंने इसमें ले लिए, अगर कोई आएगा तो इसमें आ जाएगा और उसको भी रिटर्न कर रहा हूँ, दैट्स इट। कोई भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा चेंजेस नॉट डिप्लॉयड, आपको कुछ भी करने के बाद यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, एक लफ्ज भी चेंज करते हैं तो उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, फिर ही वो चेंज इफेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर वो आ रहा है चेंजेस नॉट डिप्लॉयड तो आपका यहाँ पे कुछ हमने चेंज किया वो इफेक्ट नहीं करेगा अगर ये लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब इसको टेस्ट कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इस लैम्डा फंक्शन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास टेस्ट का बटन आ रहा है और ये ड्रॉप डाउन भी साथ में आ रही है जो कि बेसिकली इवेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये, अगर तो आपने पहले कोई इवेंट बनाया होगा, इवेंट क्या है कि बेसिकली जो अगेन इवेंट यही चीज है कि जो यहाँ पे रिसीव होगी, ओके। तो ये वाला इवेंट आपने बनाना है कि क्या डाटा आप इसको सेंड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर एक टेस्ट इवेंट वन क्रिएट कर लूंगा और ये क्या है, ये बेसिकली प्राइवेट है या शेयरेबल है, उसको नीचे लिखा भी हुआ है कि दिस इवेंट इज ओनली अवेलेबल इन द लैम्डा कंसोल टू द दिस। और यहाँ पे मैं बेसिकली इसको प्राइवेट ही रहने दूंगा, हम बाद में शेयरेबल को देखेंगे जब उसका टाइम आएगा, अभी के लिए हमें सिर्फ ये प्राइवेट चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हम इवेंट का डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इस लैम्डा फंक्शन को सेंड किया जाएगा, फर्स्ट आर्गूमेंट जो इवेंट आर्गूमेंट, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ वंस अगेन, ओके। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। ये इवेंट हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं टेस्ट, मैं अगेन यहाँ पे अब लिखता हूँ टेस्ट इवेंट वन, ये प्राइवेट ही रहेगा। यहाँ पे अब आप जो भी आपने करना है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि मैं अगर ये टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कितना ज़्यादा डाटा आया, ओके। और अगर आप खुद चाहें तो आप जो भी डाटा सेंड करना चाहें कर दें, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड का भी कर सकते हैं, मैं एप्सिंग को कर लेता हूँ, ये काफी बड़ा डाटा है। यहां से बेसिकली मैं अभी के लिए यहां से मैं हेलो वर्ल्ड को यूज करता हूँ क्योंकि अभी सिर्फ हम इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए देखते हैं और ये बेसिक सा डाटा आ गया, ओके। सेव करते हैं और इसने बेसिकली एक इवेंट को क्रिएट कर दिया। मैं फिर अब टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो अब इसने उस इवेंट के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया, ओके। और यहाँ पर क्या आ रहा है रिस्पॉन्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट कौन सा था, कॉलिंग द इनवोक एपीआई एक्शन फेल्ड विद दिस मैसेज, द रोल डिफाइंड फॉर द फंक्शन कैन नॉट बी अज्यूम्ड बाय लैम्डा, ओके। और ये बेसिकली आ रहा है फंक्शन लॉग्स और रिक्वेस्ट आईडी। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि हमने, मैं आपको अभी बताता हूँ, इसका जो इस लैम्डा फंक्शन का जो रोल था वो मैंने कर दिया डिलीट, उसका मतलब है कि अब इसको कोई रोल तो असाइन है नहीं है और उस वजह से ये इस चीज को भी बेसिकली चेक नहीं कर पा रहा कि इसके पास कौन सी परमिशन है और कौन सी नहीं है। उसके लिए आप आएंगे कॉन्फ़िगरेशन टैब पे। मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमने जो इसके लैम्डा फंक्शन को मैनुअली अगर कोई रोल असाइन करना है तो वो कैसे करना है। लैम्डा फंक्शन को मैनुअली रोल असाइन करने के लिए आप इस कॉन्फ़िगरेशन के टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे बेसिकली जब आप लैंड करेंगे तो आप इस जगह पे लैंड करेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी हमने इस पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। मेनली हमने अभी इसकी परमिशंस को देखना है, परमिशंस पे आए और ये आपको बता रहा है कि यह रोल हमें नहीं फाउंड हो रहा, तो काफ़ी आसान है, हम सिर्फ एडिट करेंगे और बेसिकली यहाँ से रोल को सिलेक्ट कर लेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि हम ये रोल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मैंने दूसरा डिलीट कर दिया था, ये रोल है जिसको मैंने अभी कोई परमिशन नहीं दी। सेव करूंगा और उसकी के साथ
यहाँ पे इसको एक प्रॉपर रोल साइन हो गया और परमिशन आप देख सकते हैं कोई साइन नहीं हुई, क्योंकि मैं अभी कोई परमिशन इसको नहीं देना चाह रहा, को लॉर्ड वॉच इवेंट्स नहीं मुझे चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, बाद में उनको देखेंगे। वापिस आता हूँ कोड में और अब टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपरली एक्सिक्यूट हुआ है, ये टेस्ट इवेंट यूज हुआ है, टेस्ट इवेंट वन जो मैंने क्रिएट किया था, और जो रिस्पॉन्स आया है उसमें इवेंट में आप देख सकते हैं कि वही डाटा जो हमने यहाँ पे टेस्ट इवेंट में, यहाँ पे अगर टेस्ट में जाते हैं तो ये देखें, ये टेस्ट इवेंट वन, ये डाटा मैंने एज अ इवेंट ये चीज इसके थ्रू सेंड किया था, और वो मैं एज इट इज यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन में देख रहे हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ कि वो मुझे शायद दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, दोबारा एग्जीक्यूट कर देते हैं, इवेंट वही चीज है जो हमने वहां पे सेंड किया। ओके, ये वो सारा और अदर प्रोग्राम्स जो बाकी चला था, क्योंकि अरे के तौर पे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये कॉन्टेक्स्ट, आप इसको कह सकते हैं फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें बता रहा है कि बेसिकली फंक्शन का नाम क्या है, ईटीसी सारा कुछ, और एंड पे ये नल आ रहा है, इसको अभी के लिए आप स्किप कर दें। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये सिर्फ ये डाटा है जो हमें ऑब्वियसली जो डाटा हमें फंक्शन में सेंड करना है, बाकी भी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन जब होंगी तब हम उन पे बात करें। अभी तक हमने तीन टैब्स को स्टडी किया है, दो को हमने जरा डिटेल में स्टडी किया है, जिनमें कि एक टैब है ये कोड वाला, और यहाँ पे आप साइड बार में साइड हैंड साइड पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये बेसिकली पूरा फोल्डर लिखा हुआ है ITC, आप यहाँ पे जितनी फाइलें बनाना चाहे बना सकते हैं, और ऑब्वियसली उसको दूसरी फाइलों में इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ फाइलें नहीं बनानी, ये कह लें कि कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए। और उसके बाद हमने टेस्ट टैब को देखा है, इसमें बेसिकली इवेंट्स को आप स्टडी कर सकते हैं, आप नया इवेंट बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से जो आप बने होंगे इवेंट्स उनको सिलेक्ट करके एडिट कर लें, नया इवेंट जो भी बनाना है उसको बना लें। और कॉन्फ़िगरेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ अभी परमिशंस के टैब को देखा है, जिसमें कि हम रोल वगैरह असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये मोनिटर का टैब और एलियस का टैब और वर्जन्स का टैब, और उसके अलावा हम ये जो कॉन्फ़िगरेशन के टैब में बाकी ऑप्शंस है उनमें से जो अभी हमारे लिए जरूरी है उनको हम देखेंगे, और बाकियों को फिर बाद में जैसे जैसे हमें उनकी जरूरत होती जाएगी उनको स्टडी करते जाएंगे। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.